हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे पेंस्की मार्टिन एपरेटस की, है ना। एक साइंटिस्ट है मिस्टर मार्टिन और मिस्टर पेंस्की, है ना। इनने एक एक्सपेरिमेंट किया लुब्रिकेंट ऑयल का फ्लैश देखने के लिए 100 डिग्री सेल्सियस में, और वो एक्सपेरिमेंट थोड़ा सक्सेस रहा। उसके बाद फिर इनने एक इन्वेंशन ही किया एक एपरेटस का, और उन्हें खुद का ही नाम से एक नाम रखा गया पेंस्की मार्टिन एपरेटस। ये किस लिए यूज़ करते हैं, हम किसी भी लुब्रिकेंट ऑयल का फायर और फ्लैश देखने के लिए हम इस एपरेटस का यूज़ करते हैं, है ना। तो ये एपरेटस कैसा होता है इस बारे में हम आपको बताते हैं, देखते हैं ना। चलिए, ये एपरेटस है ना पेंस्की मार्टिन। ये कैसा है, ये पूरा एक हीटर है, हीटर जैसा काम करता है पूरा। इसमें हीटिंग कॉइल है जो इसको हीट करता है, ठीक है। ये पूरा हीटर वाला काम है। ये कप है, मेटल का कप है, है ना। इसमें हम क्या लेते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल को इसमें फिल करते हैं, ठीक है। ये किस चीज़ से बना है, ये ब्रास का बना हुआ होता है ना, ब्रास का बना हुआ है। तो ये करोजन लेस है, इसमें जंग नहीं लगेगी, है ना, इसलिए इसको ब्रास से बनाया गया है, ठीक है। ये हो गया हमारा कप। अब आती है बात, ये इसका कवर का, ये इसके ऊपर कवर है ना, ठीक है, इससे कवर किया जाता है। इसको बोलते हैं स्टेयर, इसका काम है स्टेयर, है ना। जब हम इसको स्टेयर करते हैं तो ये स्टेयर होता है, ये रोटेट करता है नीचे से, है ना। जो हमने लुब्रिकेंट ऑयल लिया है उसको स्टेयर करता रहता है ना, मिक्स करके रखता है जिससे बराबर गर्म रहे वो, ठीक है। इसको बोलते हैं शटर, इसका नाम है शटर। जब हम इसको इसके नॉब को हम इधर की ओर मूव करेंगे इस साइड, तो क्या होता है, जो ये शटर को हमने करा तो जो इसके पार्ट्स हैं वो यहाँ से कुछ दो होल दिख रहा होगा आपको ना, होल से दिखते हैं ना। इसमें हम क्या करते हैं, मैच बॉक्स है, मैच स्टिक को हम यहाँ टच करते हैं तो फ्लेम के लिए, है ना, फ्लेम जो भी है फ्लेम निकलती है, ठीक है। जब तक हम इसको ओपन नहीं करेंगे हम फ्लेम नहीं देख पाएंगे ना, ठीक है। इसको बोलते हैं शटर, ठीक है। अब करते क्या है, इसको हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है। इसमें कोई हम लुब्रिकेंट ऑयल लेते हैं, लुब्रिकेंट ऑयल में हम लेते हैं जो हाई विस्कस ऑयल होता है, हाई विस्कस ऑयल या हाई थिक ऑयल हो, जैसे ये HP का 40 इंजन ऑयल है ना, ठीक है। ये हमने इंजन ऑयल ले लिया है ना, ये बहुत हाई विस्कस है जो बहुत कड़ा हो, हम उसका फ्लैश और फायर पॉइंट देखेंगे, ठीक है। तो हम इसको लेते हैं, ठीक है, इस कप में हम लेते हैं। कहाँ तक लेंगे हम इस कप में, यहाँ तक इसका एरो निशान है, एक एरो लगा वहीं तक लेंगे हम, ना, ठीक है। यहाँ तक हमने ले लिया इसको, इसको फिल कर लिया ना, फिल करने के बाद इसको हम वापस इसका कवर लगा देते हैं, ठीक है। ये इसका कवर लग गया, ठीक है। ये स्टेयर है, इससे हम स्टेयर भी कर सकते हैं। अब बात आती है थर्मामीटर, इसमें हमने कितना लिया है, ये हमारा 360 डिग्री टेम्परेचर
छत तक, है ना, इससे हम देख सकते हैं ना 360 डिग्री टेम्परेचर तक हम इसको टेम्परेचर को ले जा सकते हैं, उससे हम को भी फाइंड कर सकते हैं टेम्परेचर को। इसको यहाँ एक होल दिख रहा है, हम इसको यहाँ फिट करेंगे, ठीक है, यहाँ हम फिट करेंगे इसको। है ना, ठीक। अब क्या करेंगे हम, ये हमारा रेगुलेटर, रेगुलेटर मीन्स यहाँ पर एक टेम्परेचर सेट है, मतलब हम इसको 40 से लेके 90 तक डिग्री तक इसको हम बढ़ा सकते हैं, इसे 40 पे 50 60 70 80 90 तक, है ना, इससे हम टेम्परेचर को बढ़ा सकते हैं, जिससे क्या हो, जो हम इस लुब्रिकेंट ऑयल है इसको हम हीट कर सकते हैं ना। हीट करेंगे तो हम देखेंगे क्या हीट हो रहा है, और जैसे जैसे हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ होने लग जाएगा तो हम मैच बॉक्स से मैच स्टिक से उसको जला के हम फ्लेम देखेंगे कि हाँ फ्लेम पे हमारा फ्लैश उस पॉइंट पे आया नहीं आया, आया है तो हम देखेंगे हमें कितने टेम्परेचर पे फ्लैश आया है, फिर थोड़ा सा और हम हीट करेंगे तो फिर देखेंगे कि हाँ उसके बाद फायर आया, कितने फायर आता है, तो हम किसी भी ऑयल का फ्लैश और फायर देख सकते हैं ना, किससे, पेंसकी मार्टिन एपरेटस से, ठीक है। तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं पहले हम, ठीक, इसको हमने 50 डिग्री पे सेट कर दिया, ठीक है, 50 डिग्री पे हमने इसको रेगुलेटर को सेट कर दिया। अब ये स्टार्ट हो रहा है, ये हीट होना स्टार्ट हो रहा है ना, और अभी कितना टेम्परेचर है हमारे रूम टेम्परेचर जो है अभी 30 डिग्री है ना, 30 डिग्री अभी रूम टेम्परेचर है। अब 30 डिग्री से हम इसको स्टार्ट कर रहा है ना, अभी हीट होके कहाँ तक जाता है हम देखते हैं, ठीक है, इसको वापस लगा देते हैं, ठीक है। अब जैसे ये हीट हो जाएगा, जैसे जैसे बढ़ेगा फिर हम इसको देखेंगे, है ना। हम कैंडल ले लेते हैं, एक यहाँ पर कैंडल लगा लेते हैं, बार बार जलाने से अच्छा एक मैच बॉक्स रख लेते हैं, ठीक है, इसको थोड़ा सा हीट हो जाए फिर अपन इसको देखेंगे, ठीक है, और इसको बीच बीच में हम इसको स्टेयर करते रहेंगे, स्टेयर करते रहेंगे तो मिक्स होता रहेगा, बराबर गर्म होगा, ठीक है, थोड़ा सा हीट हो जाए फिर हम देखेंगे। अभी तो क्या है, हीट होते हुए ये 60 डिग्री पे आ गया है ना, तो 60 डिग्री पे तो लग नहीं रहा है कि ये अपन को फ्लैश दे, है ना, ठीक है, तो उसको कम से कम अपन थोड़ा सा और हीट हो जाने देते हैं, 100 के बाद अपन इसको देखेंगे चेक करके कि हाँ फ्लैश पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी देखें हम तो टेम्परेचर हमारा 120 जा चुका है ना, 120 पे जा चुका है, ठीक है। क्या करते हैं अपन, अपने पास कैंडल है, ये मैच बॉक्स है, इसको अपन चला लेते हैं कैंडल को एक बार, ठीक है, कैंडल जला ली, हम इससे ये यूज़ कर सकते हैं इसकी मैच स्टिक, ठीक है। करते क्या है, इसको हम जलाएंगे मैच स्टिक को, इस शटर को खोलेंगे हम, और यहाँ पर हम इसको देखेंगे टच करके, फ्लेम आती नहीं आती है, फ्लैश पॉइंट है ना नहीं दे रहा है, ठीक है। अब फ्लैश पॉइंट कैसे देता है, मान लीजिए हमने कोई मतलब मैच बॉक्स की मैच स्टिक हमने इस शटर को ओपन किया, इसके पास ले गए, तो क्या होगा, जो इसका फ्लेम है तो वहाँ पर हम इसको टच करेंगे मैच स्टिक को, तो फ्लैश क्या है, फाइव सेकेंड के लिए वो क्या होगा, फ्लेम आएगा ऊपर नीचे बंद चालू होगा, मतलब 5 सेकेंड के लिए फ्लेम हमें दिखेगा, बस 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5 मीन्स 5 सेकेंड के लिए हमें फ्लेम दिखेगा, तो इट मीन्स कि वो हमारा फ्लैश पॉइंट है, ठीक है, हम क्या बोलेंगे उसको, फ्लैश पॉइंट। अब क्या होगा, जब फ्लैश पॉइंट मान लीजिए कोई टेम्परेचर मिल गया, जैसे मान लो 150 पे हमारा फ्लैश पॉइंट आ गया, मान लेते हैं 150 पे हमारा फ्लैश पॉइंट आ गया, ठीक है, तो जैसे ही हमने थोड़ा सा और टेम्परेचर को बढ़ाया, मान लो 155 या 160 मान लीजिए, 160 पे क्या होगा, फिर हमने मैच स्टिक लेगा उसके पास, शटर खोला, उसको हमने टच किया पास में, तो जो हमारा फ्लैश आया था 5 सेकंड के लिए ना, अब क्या होगा, जब हमने टेम्परेचर बढ़ा तो जो फ्लेम जो मतलब उसमें वापस वेपर जो है इकट्ठे हो गए होंगे, तो हम मैच स्टिक को वापस लगाएंगे, तो
क्या होगा, जो फायर पॉइंट होता है, फायर पॉइंट में क्या होगा कि 5 सेकंड से ज़्यादा, 5 सेकंड से ज़्यादा क्या होगा, वो फायर हो जाएगा, वो फायर जलता रहेगा, कुछ देर तक जलेगा, हो सकता है वो बंद हो जाए या फिर जलता ही रहे। तो 5 सेकंड से ज़्यादा हमारे पास देगा तो हमारा फायर है, और 5 सेकंड क्या होगा, फ्लैश देता है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा और इंक्रीज हो जाती है हम टेम्परेचर को एक बार, उसके बाद हम इसको फिर से एक बार चेक कर लेंगे, ठीक है। अब टेम्परेचर जो है हमारा थोड़ा इंक्रीज हुआ है, 180 पे आ गया है ना, तो 180 पे हमें एक बार और चेक करके देखते हैं कि 180 पे हमारा फ्लैश पॉइंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे हम चेक कर देते हैं। शटर को हमने ओपन किया, नहीं हो रहा है ना, नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा और इसको टेम्परेचर को इंक्रीज़ हो जान देते हैं, कौन सा इंक्रीज़ होगा फिर हम देखते हैं। 180 पे अब 200 के बाद देखते हैं, 200 के बाद क्या होता है, हो सकता है इसका पॉइंट जो हो वो थोड़ा 200 के बाद दे ना फ्लैश, तो हम थोड़ा सा वेट कर देते हैं। अब हमारा टेम्परेचर 210 तक पहुंच गया, मतलब 210 डिग्री पे आ गया है ना। तो एक बार हम फिर चेक करके देखते हैं कि 210 डिग्री पे फ्लैश दे रहा नहीं दे रहा, हाँ देखिए ना आया, एक बार तो आया था ना, एक बार आया और गायब हो गया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, फ्लैश, है ना, कि 210 डिग्री पे फ्लैश दे रहा है। तो अब मुश्किल से 5 डिग्री टेम्परेचर या 2 डिग्री बढ़ेगा तो वो क्या होगा, फायर, कुछ देर तक तो वो फायर देने लग जाएगा, अभी तो फ्लैश ही देगा। 210 पे तो हम ये पता चल गया कि इस ऑयल का 210 पर फ्लैश पॉइंट आ गया है। तो थोड़ा सा और हीट होने आते हैं, 2-5 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमें फायर भी मिल जाएगा, ठीक है। चलो देखते हैं, अब हमारा टेम्परेचर 220 पे आ गया है ना, तो एक बार हम फिर चेक कर लेते हैं, 220 है ना, 220 पे फायर आता है, नहीं आता, ठीक है। देखो फ्लेम दिख रही है जलती हुई, इसको क्या बोलते हैं, फायर, है ना, कई बार जल रही है फ्लेम, है ना, फ्लेम जल रही है, मतलब 220 पे हमारा हम फायर पॉइंट मांग सकते हैं, है ना। ये बात तो समझ में आई आपको, 5 सेकंड के लिए फ्लैम जलती है, 5 सेकंड तक तो वो हमारा फ्लैश पॉइंट है, और 5 सेकंड से ज़्यादा तक फ्लैम आ रही है तो वो हमारा फायर पॉइंट है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको वापस, अब हो गया प्रैक्टिस, इसको बंद कर देंगे, इसको बंद कर देंगे हम। बंद करने के बाद जिस पॉइंट पे हमें फायर मिला था उस पॉइंट पे हम, जब टेम्परेचर हमारा वापस बढ़ गया थोड़ा सा ऊपर ना, वापस डिग्रीज होगा, कम होगा, तो जैसे हमें 220 पे मिला फायर, तो हमें फायर एक बार हम मैच बॉक्स चला के इसको देखेंगे, 220 पे हमारा फायर आया था, उसके बाद ठीक आया, उसके बाद फिर थोड़ा टेम्परेचर फिर कम होगा, थोड़ा सा डाउन होगा, जैसे 210 पे आया, तो 210 पे हम एक बार फिर मैच स्टिक जलाएंगे, शटर ओपन करेंगे, फिर हम इसको देखेंगे कि हाँ 210 पे हमारा फ्लैश आया था, तो 210 पे फ्लैश आया नहीं आया, मतलब इंक्रीज़ में भी हमें टेम्परेचर को देखना है फायर फ्लैश, और जब डिक्रीज हो बंद करने के बाद में हम फायर फ्लैश देखना पड़ता है, जिससे हमारी रीडिंग एक्यूरेट बराबर रहती है, मतलब एरर नहीं आता कि हाँ दोनों टाइम सही था, ठीक है। इतनी बात समझ आई आपको। अब देखो रिजल्ट, रिजल्ट क्या था हमारा, है ना, फ्लैश पॉइंट, फ्लैश पॉइंट कितना था हमारा, कितने पे आया था हमारा, 210 पर हमारा फ्लैश पॉइंट है, ठीक है। फिर हमने जब हमारा इंक्रीज हुआ थोड़ा सा टेम्परेचर, फायर, है ना, कब फायर हुआ था, फायर पॉइंट 220, है ना, मतलब ये है कि 5 जब 2 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, ज़्यादा था 5 डिग्री, तो उस बीच में हमारा फायर आ जाता है, मगर हमने क्या करा था कि 200 जब 10 डिग्री बढ़ गया था, है ना, 10 के बाद 220 हुआ, 220 हुआ, तो फिर हमने चेक किया था उस समय, तो उस समय हमारा फायर हमें दिखने लगा, तो हम क्या मान लेते हैं हमारा 220 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 220 पे हमारा
फायर पॉइंट आया, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि हमारा रिजल्ट है, सिंपल सा ये रिजल्ट है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं करना, कैलकुलेशन वाला काम नहीं चलता इसमें, ये हो गया। अब हम ये देख सकते हैं कि जो हमारा पेंसकी मार्टिन एपरेटस है, इससे हम क्या करते हैं, कोई भी लुब्रिकेंट ऑयल, लुब्रिकेंट ऑयल मीन्स मतलब कोई भी हम गाड़ी में मोटरसाइकिल या हम जेसीबी ट्रक वगैरह जो भी बहुत हाईली विस्कस ऑयल होता है, जो बहुत हाईली ठीक ऑयल होता है, हम उससे इसका फ्लैश पॉइंट और फायर पॉइंट निकाल सकते हैं, किससे, पेंसकी मार्टिन एपरेटस से। सिंपल सा है, आपको समझ में आया होगा, तो इस प्रैक्टिकल को हम यहीं एंड करते हैं। ओके।